हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी चैनल प्राइम वर्ल्ड में। आज के इस वीडियो में ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन के बीच में कल के दिन का जो पहला मुकाबला खेला जाएगा उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको कौन से प्लेयर को स्मॉल लीग में ट्राई करके चलना है एंड कौन से प्लेयर को आपको जीएल में ट्राई करके चलना है, सब कुछ इस वीडियो में प्रॉपर आपको समझा देंगे। और हाँ, लास्ट में एक डेमो टीम शेयर कर देंगे जिससे अभी के लिए आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, बाकी फाइनल टीम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। देखो, इस मैच का परफेक्ट बैटिंग ऑर्डर क्या हो सकता है वो भी आपको बताएंगे, कौन से गेंदबाज दो ओवर प्रॉपर गेंदबाजी कर सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर समझा देंगे। वीडियो को बस अंत तक देखते रहिएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये मैच जहां पर खेला जाएगा उसका नाम है सीबान क्रिकेट ग्राउंड लोअर ऑस्ट्रेलिया। अगर आप ECS ऑस्ट्रेलिया T10 2024 कवर किए थे तो वहां पर सारे मैचेस आपको यहीं पर खेलते हुए नजर आए थे, जो कि बैटिंग फ्रेंडली पिच देखने के लिए मिला था, जहां पर बल्लेबाज अच्छा खासा रन स्कोर करते थे। लाइक अपने कई मैचेस में देखे थे कि 200 पार भी रन स्कोर हो गए थे, और सेम वैसे ही प्लेयर खेल रहे, तो इस मैच में भी आप उम्मीद करके जा सकते हो कि 160 से 170 रन बन जाए 10 ओवर में। तो इस मैच में भी ठीक ठाक रन एक्सपेक्ट करके चले जाना। बैटिंग फ्रेंडली पिच आपको देखने को मिल जाएगा, तो 10 में मान लो आप 170 180 रन आसपास स्कोर होते हुए दिख जाएगा। बाकी ये पेसर्स के लिए अच्छी पिच है। अच्छी पिच क्या ही कह सकते हैं, आर्टिफिशियल पिच देखने को मिलेगा, जहां पर अगर पहला मैच देखा जाओ तो सेम आपको ट्रैक देखने को मिलेगा और लास्ट मैच देखे जाओ तो सेम ट्रैक देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप पर 5 मैच के लिए जा चुके हैं तो पिच स्लो हो जाएगा, एंड स्पिनर्स एंड तेज गेंदबाजों दोनों को हेल्प मिल सकती है। हाँ, यहाँ पर अगर स्पिनर्स और तेज गेंदबाजों में से किसी एक को कहा जाए तो तेज गेंदबाजों को प्रॉपर सपोर्ट मिलता है। देखो, जो भी T10 के मैचेस होते हैं उसमें पेसर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट देखने को मिलता है, उनको प्रॉपर 2 ओवर मिलते हैं और इंपॉर्टेंट 2 ओवर मिलते हैं जिससे वो अच्छे खासे विकेट निकाल लेते हैं। तो इस मैच में जो मैक्सिमम ट्राई करना पेसर्स को ही ट्राई करके जाना, और जो क्वालिटी स्पिनर्स होंगे सिर्फ उनको ही अपने टीम में ट्राई करना। बाकी अगर वेदर का बात किया जाए तो आपको धूप निकलती हुई नजर आएगी जिससे बल्ले पर गेंद अच्छी तरह से आती है और रन स्कोर होते हुए आपको अच्छे खासे रन इस मैच में दिख सकता है। एवरेज रन की बात किया जाए तो 152 रन इस पिच पर, जो कि ठीक ठाक है। मैंने आपको पहले बता दिया कि 170 से 180 इस पिच पर आपको स्कोर होते हुए दिख जाएगा। बात कर लेते हैं, टोटल 49 विकेट गिरे थे लास्ट के 5 मैचेस में, जिसमें पेसर्स ने 41 विकेट और स्पिनर्स ने 8 विकेट पिक कर रखे हैं। तो यहां से आपको साफ दिख रहा होगा कि 80% विकेट आपको पेसर्स ने और सिर्फ 20% विकेट आपको स्पिनर्स ने पिक कर रखा है। तो जो क्वालिटी पेसर्स गेंदबाजी कराएंगे उनको अपने टीम में डेफिनेटली आपको ट्राई करके चलना है। बाकी अगर हेड टू हेड का बात किया जाए तो 2 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें एक मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने जीते और एक मुकाबला आपको स्वीडन की टीम जीत कर आ रही है। दोनों बराबरी का है, दोनों बराबरी को आप फेवरेट करके इस मैच में आप जा सकते हो। बात करते हैं लास्ट के 5 मैचेस का रिकॉर्ड की, तो देखो ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैच खेले हैं और 3 जीते हैं और 2 हारे हैं। अगर वहीं पर स्वीडन का बात किया जाए तो 5 मुकाबले खेले हैं, 2 जीते हैं और 3 हारे, मतलब दोनों का रिवर्स है, एक ने 3 जीता है तो 2 हारा है और एक ने 2 जीता है तो 3 हारा है। तो ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में थोड़ा सा अपर हैंड रख सकते हो, ज्यादा नहीं थोड़ा सा अपर हैंड रख सकते हो, और रिसेंट में थोड़ी सी बेटर लग रही है, बट हेड टू हेड का बात किया जाए तो दोनों बराबरी का है, एक एक मैच जीत कर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं टॉप पिक के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया T10 अगर आपने कवर किया होगा तो बिलाल जलमाई, करणवीर सिंह और खोगियाने के बारे में पता ही होगा। जलमाई आपको उस T10 में ओपनिंग करते हुए नजर आते, बट यहाँ पर नंबर 4 पे आपको बैटिंग करते दिख रहे हैं। टॉप में आपको ए नईम करते बैटिंग आ रहे हैं, बट मेरे हिसाब से अपने आपको प्रमोट कर सकते हैं और ओपनिंग में जा सकते हैं, बट अगर ये नंबर 4 पे भी खेलते और 2 ओवर की प्रॉपर गेंदबाजी कराते हैं तो कैप्टनसी के सबसे डिफॉल्ट ऑप्शन आपके पास यही रहेंगे। बाकी ओपनिंग करते इस बार करणवीर सिंह दिख रहे हैं। देखो, इन्होंने आज जो ऑस्ट्रेलिया T10 के लास्ट के कुछ मुकाबले तो खेले नहीं थे, बट यहाँ पर अभी अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अपने टीम में ट्राई कर लेना, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे के जा सकते हो इस मैच में। बाकी बात करते हैं खोगियानी की, तो ये भी आपको 2 ओवर की गेंदबाजी कर सकते हैं और नंबर 4 से नंबर 5 पे आपको बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे। बात कर लेते हैं स्वीडन की तरफ से, तो के जाहिद देखो ऑलराउंडर सेक्शन में अवेलेबल है, प्रॉपर 2 ओवर की गेंदबाजी कर सकते हैं और बल्लेबाजी से भी अच्छा खासा करके चले जाएंगे, तो अपने टीम में ट्राई कर लेना, कैप्टन और वाइस कैप्टनसी देके जा सकते हो। एन बालूच और एस अली दोनों अच्छे खासे पिक है, डेफिनेटली आप इनको अपने टीम में ट्राई करके जा सकते हो। चलिए अब प्लेइंग 11 डिस्कस कर लेते हैं। देखो, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, देखो ये T10 के मैचेस रिस्की क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमें प्रॉपर बैटिंग ऑर्डर पता नहीं होता, तो इसकी वजह से अगर आपको T10 मैचेस का रिस्क नहीं ले उठाना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहीं पर मैं आपको फाइनल टीम विद प्रॉपर बैटिंग ऑर्डर के साथ शेयर करूंगा, जिससे अगर आप मान लो बैटिंग ऑर्डर चेक कर सकते हो और अपने से चेंजेस करना है वो भी चेंज करके आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हो। बात कर लेते
प्लेइंग 11 के। तो देखो ए नईम और करणवीर सिंह दोनों ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे इस मैच में। यहाँ पर ओपनिंग शो हो रहा, बट देख लेते हैं जो T10 के मैचेस होते हैं उसमें जो बैटिंग ऑर्डर होता है काफी चेंजेस होते रहते हैं, बट इसके हिसाब से आप करणवीर सिंह और ए नईम दोनों ओपनिंग करते आएंगे। डेफिनेटली हम इन दोनों को अपने टीम में ट्राई करेंगे और करणवीर सिंह को तो हम वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं क्योंकि दो ओवर गेंदबाजी कराने के चांसेस भी रखते हैं इसके वजह से। बाकी आर सिग्गीवाल देखो इनका बैटिंग ऑर्डर कभी कन्फर्म नहीं रहता, कभी नंबर 3 कभी नंबर 7 कभी नंबर 8, अपने आप को डिमोट करते या प्रमोट करते रहते, कभी कभी ओपनिंग भी बैटिंग करने आ जाते थे, ये DST की तरफ से खेलते थे और वहां पर ये ओपनिंग भी आए थे एक मैच में नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने। तो ये बात आप ध्यान में रख के चलना, बैटिंग ऑर्डर इनका कंफर्म नहीं रहता। बिलाल जलमाई टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते और दो मैच खेले और दोनों में इन्होंने 114 पॉइंट ड्रीम टीम में स्कोर किए हैं। तो कैप्टनसी का सबसे डिफॉल्ट ऑप्शन आपके पास बिलाल जलमाई ही होंगे, इनको मिस मत करना कैप्टनसी से। वन साइडेड जीत सकते हो, अगर इनको ड्रॉप करोगे तो मान लो ये चल गए तो वन साइडेड हारोगे क्योंकि ओपोनेंट के पास आपके कैप्टनसी जरूर होंगे। एज खोगियानी इनका बात करो तो दो ओवर की प्रॉपर गेंदबाजी मिल सकती है और दो ओवर के और नंबर 5 या नंबर 4 पर बल्लेबाजी मिल सकती है, नंबर 4 तो कम ही उम्मीद रखना, नंबर 5 पर बल्लेबाजी मिलके जा सकती है। बाकी एन सादिक उतने अच्छे चॉइस नहीं है, जेल में इनको रोटेट करके चलना, जे खेल जाए क्योंकि यहाँ पर इनको बैटिंग से काफी नीचे डिमोट करके भेज रहे हैं। ये T10 जब खेल रहे तो उसमें इन्होंने काफी तगड़ी बैटिंग किया था ओपनिंग में आके और नंबर 3 पर आकर, तो हो सकता है इस मैच के बाद या इस कल के दिन पहले या दूसरे मुकाबले में इनको प्रमोट कर दिया जाए, तो ये भी ध्यान में रख के चलना, तब इनको अपने टीम में ट्राई कर लेना, आपके लिए डिफॉल्ट ऑप्शन के रूप में इनको ट्राई कर लेना। बात कर लेते हैं आर सिंह, रंजीत सिंह इनका नाम है, ये साल्सबर्ग के लिए नंबर 4 पे खेलते थे बट यहाँ पर नंबर 8 पे खेल रहे हैं, तो जीएल में ट्राई करके चलना, बैटर अच्छे हैं बट नंबर 8 पे बल्लेबाजी करे उतने अच्छे चॉइस नहीं होंगे। ए अकबर जान देखो काफी तगड़े बल्लेबाज और गेंदबाज है बट इनको बैटिंग में यहाँ पर 9 नंबर पे भेज रहे और पिछले 2 मैच में इनको बॉलिंग भी नहीं मिली है, तो इसके वजह से इनको अगर बॉलिंग कराते हैं तो अच्छे चॉइस होंगे, अगर नहीं कराते तो डेफिनेटली इनको जीएल में भी मत ट्राई करना क्योंकि बॉलिंग कराएंगे नहीं तो पॉइंट कैसे स्कोर करेंगे। आई साफी इनको लास्ट मैच में 2 ओवर की प्रॉपर गेंदबाजी मिली थी और इन्होंने विकेट भी निकाले थे, तो आई साफी को अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। ये भी नीचे बैटिंग करने आ रहे, पहले जब ये T10 में ऊपर काफी बैटिंग करने आ रहे थे। एस जदरान इनको भी अब स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो, ये भी बॉलिंग कराने के अच्छे खासे चांसेस रखते हैं। तो इधर से काफी तगड़े तगड़े प्लेयर लाइक बिलाल जलमाई, करणवीर सिंह, नईम, खोगियानी, उसके बाद ए अकबर जान, बट ये बॉलिंग नहीं करा रहे। ए साफी, एस जदरान, जे खेल जाए अगर बैटिंग टॉप ऑर्डर में करेंगे तो। बात कर लेते अब स्वीडन की तरफ से, तो देखो ए मुंद्रा की बात किया जाए तो विकेट कीपिंग सेक्शन सबको मिलेंगे, इन्होंने लास्ट मैच में ठीक ठाक रन स्कोर किया तो अपने टीम में डेफिनेटली इनको ट्राई करके जा सकते हो, बट इनको जीएल में ट्राई करना स्मॉल लीग में आपके लिए रिस्की रह सकते हैं। बाकी शौकत अली की बात किया जाए तो इनको अपना स्मॉल लीग की टीम में ट्राई कर लेना, देखो ओपनिंग बल्लेबाजी करना तो एक अच्छी शेयर अली नाम है इनका, अच्छी बल्लेबाजी करके जा सकते हैं, डेफिनेटली इनको ट्राई करके जाना स्मॉल लीग में, अच्छे खासे रैंक दिला सकते हैं। ए और ए नईम दोनों को ट्राई कर लेना। एस रहमानी का बात किया जाए तो बैटिंग सेक्शन में आपको मिलेंगे, अच्छे खासे बल्लेबाज रन भी स्कोर किए हैं तो डेफिनेटली इनको आप ट्राई करके जा सकते हो। एन बालूच आपको गेंदबाजी प्लस बल्लेबाजी दोनों से योगदान करके जा सकते हैं, नंबर 4 पर बल्लेबाजी में आ रहे और 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी भी मिल सकता है, तो ध्यान में रख के चलना, जीएल में इनको रोटेट करके जा सकते हो। आई जवाक का तो उतने अच्छे चॉइस नहीं होंगे, नंबर 5 पर बैटिंग करे, अगर टॉप ऑर्डर में थोड़ा और प्रमोट हो जाते हैं तो मैं डेफिनेटली अपनी टीम में इनको ट्राई कर लूंगा। एस सुदास को बात करो तो जीएल में ट्राई करना। के जाहिद देखो इनको मैंने टॉप पिक में टॉप पिक बताया था बट ये बैटिंग ऑर्डर इनको डिमोट कर दिया गया, यही मेन रीजन है कि थोड़ा सा ये फ्लॉप हो रहे हैं, मतलब पॉइंट स्कोर कर रहे बट उतने नहीं कर पा रहे अपने नाम के हिसाब से। तो अगर ये टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते और 2 ओवर की प्रॉपर गेंदबाजी करते तो इनको वाइस कैप्टनसी आप कर देना, तगड़े चॉइस आपको विकेट निकाल कर देंगे ही देंगे। एस अहमद ये भी अच्छे खासे चॉइस है, इनको भी अपने टीम में ट्राई कर सकते हैं, ऑलराउंडर सेक्शन मिलेंगे, ये भी अच्छे खासे चॉइस हो सकते हैं। एच महमूद इनको तो बॉलिंग नहीं मिल रही होती प्रॉपर, तो इनको तो जेल में ट्राई करके चलना क्योंकि अच्छे बल्ले गेंदबाज है, अगर बॉलिंग मिलती है तो अच्छे खासे परफॉर्मेंस करके जा सकते हैं। जेड स्टेनजी की बात किया जाए तो प्रॉपर 2 ओवर की गेंदबाजी मिला थी, इन्होंने विकेट भी निकाले हैं, तो इनको स्मॉल लीग में ट्राई करके चलना। बाकी जेड तकवाई की बात करें तो इनको जीएल में रोटेट करके चलना, स्मॉल लीग में थोड़े रिस्की रह जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं टीम का, तो सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन से बात करते हैं, और देखो अगर आगे से आपको प्रॉपर 4 से 5 या 3 से 4 जो भी जीएल की टीम चाहिए तो इस वीडियो पर प्रॉपर कमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर लाइक होना चाहिए, और तीसरी बात हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना,
और वहां पर मैसेज करना। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अगर बढ़िया मैसेज मतलब ज्यादा मैसेज आए तभी मैं आपको टेलीग्राम पर टीम शेयर कर दूंगा जीएल की, और जो जीएल की टीम शेयर करूंगा ऑलमोस्ट मतलब आपको लग ही सकता अच्छा खासा रैंक आ ही सकता है उससे। बात कर लेते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से, हम ट्राई करेंगे ए नईम को और ए सली। देखो दोनों ओपनिंग बल्लेबाजी करते हैं और ए नईम तो काफी तगड़े बल्लेबाज है, इनको तो डेफिनेटली आप मिस मत करना, जीएल इनको वाइस कैप्टनशिप भी रोटेट करके चले जाना। ए सली भी अच्छे खासे चॉइस है और ए मुंद्रा ये भी टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहे हैं तो इनको डेफिनेटली जीएल में रोटेट करके चलना, जीएल में अच्छे खासे रैंक दिलाने में हेल्प कर सकते हैं। बाकी बैटिंग सेक्शन से एस रहमानी और जे घेलजाई को अभी ट्राई नहीं करेंगे, घेलजाई का बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे, यहाँ से श्री सिघी वाला आपके लिए बढ़िया चॉइस हो जाएंगे टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहे हैं इसके वजह से। अगर आप स्वीडन की तरफ से कोई बल्लेबाज ट्राई करना चाहते हो तो आई जोक आपके लिए अच्छे खासे चॉइस है, नंबर 3 या नंबर 4 पर आपको बल्लेबाजी करते दिख सकते हैं। बाकी बल्लेबाजी ऑलराउंडर सेक्शन में बिलाल जलमाई, करणबीर सिंह, एच खोगयानी, एन बालूस नंबर 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छे चॉइस रहेंगे आपके लिए। बाकी के जाहिद, मैंने जैसे बताया कि इनको गेंदबाजी प्रॉपर मिल नहीं रही है, यही एक मेन रीजन है, थोड़ा सा परफॉर्मेंस उतना आया नहीं है और बैटिंग ऑर्डर में भी नीचे कर दिया, तो डेफिनेटली अगर ये ऊपर आते हैं तो और भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। अब देखो गेंदबाजी सेक्शन में अच्छे अच्छे चॉइसेस हमारे पास बहुत है, लाइक यहाँ से आई साफी, जेड स्टैंड, गीजे, उसके बाद ए अकबर जान, एस जदरान और जेड टकवाई, तो उतने अच्छे ऑप्शन नहीं है, बट इन चार में से हमें कोई दो ट्राई करना है। देखो जेड स्टैंड स्वीडन की तरफ से इनका 2 ओवर कन्फर्म है, बट आई साफी, ए अकबर जान और एस जदरान इन तीनों में से किसको ओवर कटता है और किसको मिलता है यही कन्फर्म नहीं है, सबसे मेन रीजन है कि इनको में से किसको ट्राई करें। मैं अभी के लिए लास्ट मैच में आई साफी को प्रॉपर 2 ओवर की गेंदबाजी मिली थी इसकी वजह से ट्राई किया है, अगर ए अकबर जान को मिलता है तो ये भी तगड़े चॉइस आपके लिए हो सकते हैं इस मैच में, और एस जदरान को मिलता है तो ये भी आपके लिए तगड़े चॉइस हो सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर ये दोनों मतलब आफ्टर टॉस पता चलता है कि प्रॉपर गेंदबाजी कराएंगे तो मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगा। बात कर लेते हैं कैप्टनसी, तो मैंने जैसे कि बताया बिलाल जलमाई सबसे अच्छे चॉइस होंगे। देखो वाइस कैप्टनसी के लिए 36% लोगों ने करणवीर सिंह को कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी मतलब वाइस कैप्टनसी दिया है, तो ये मेन रीजन है, ओपनिंग बल्लेबाजी प्रॉपर 2 ओवर की गेंदबाजी कर सकते हैं। बाकी 13% खोगयानी को दिया, बट वो उतने अच्छे चॉइस नहीं होंगे आपके लिए क्योंकि देखो नंबर 5 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, उससे बढ़िया तो करणवीर सिंह ही है। बाकी ए नईम को भी 4 से 5, बट उतने अच्छे चॉइस नहीं होंगे, बाकी सबसे बेस्ट चॉइस आपके पास करणवीर सिंह हो सकते हैं। अगर उधर से ट्राई करना है तो के जाहिद का सिलेक्शन कम है, वो भी अच्छे खासे चॉइस हो सकते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टनसी के लिए, तो ये भी आप ध्यान में रख के चले जाना। बाकी देख लो कैप्टन जो हमने फाइनल टीम हमारे डेमो फाइनल टीम है ये, जिसमें विकेट कीपिंग सेक्शन से एस अली और ए नईम को पिक कर रखा है, बैटिंग सेक्शन से एस रहमानी, इनके प्लेस में मैं किसी और को ट्राई कर सकता हूं अगर इनको बैटिंग ऑर्डर ऊपर नहीं रहा तो। आर सिग्वाल सेम रीजन इनका है, इनके प्लेस पे जे घेलजाई को दिखता है तो मैं डेफिनेटली जे घेलजाई पर जाऊंगा क्योंकि वो भी नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हैं और इनको नंबर 3 पर शो हो रहा है। ऑलराउंडर सेक्शन से करणवीर सिंह, के जाहिद, एन बालोच, बिलाल जलमाई, एच खोगयानी। बाकी बॉलिंग सेक्शन से आई साफी, जिनका अगर माल इनको ओवर कट भी सकता है क्योंकि एस जदरान और एक बार जाएंगे उनका ओवर कट रहा है, तो प्रॉब्ली अगर वो कराएंगे बढ़िया तो उनको ओवर मिल जाएगा और इनका ओवर कट जाएगा, तो वो थोड़ा सा रिस्क है बॉलिंग सेक्शन से। बट बाकी कैप्टन से मैंने बिलाल जलमाई, वाइस कैप्टनसी करणवीर सिंह को कर सकते हो। अगर थोड़ा रिस्क लेना है तो कैप्टन से वाइस कैप्टनसी रिवर्स कर देना, ये तो बहुत मतलब थोड़ा बहुत रिस्क हो जाएगा आपके लिए इस मैच में। बाकी अगर आपको आगे से कोई सभी मैचेस में जीएल टीम चाहिए, लाइक ऑस्ट्रेलिया का नेक्स्ट मैच कवर कर रहे हैं, तो कमेंट करके इस वीडियो पर बताओ हमें और लाइक कर देना वीडियो को। वीडियो को यहाँ तक देखो तो उसके लिए धन्यवाद, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।